Hello friend, in this video we discuss about question number 121 of IRODOV. A body of mass M was slowly pulled up the hill by a force F which at each point was directed along a tangent to the trajectory. Find the work performed by this force if the height of the hill is H, the length of its base is small l, and the coefficient of friction is equals to k. इस प्रॉब्लम में ऑथर कहना चाह रहे हैं कि एक ब्लॉक है जिस पे एक फोर्स लग रहा है. ये फोर्स हमेशा इसके टेंजेंट, ये जो पाथ जिस पे ये ब्लॉक मूव कर रहा है उस पाथ के टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा. ठीक है, मतलब इसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, हमेशा टेंजेंट के ही डायरेक्शन में होगा. ये एक बात हो गई. दूसरी बात, ये एक रफ सरफेस है और इस पार्टिकल, ये ब्लॉक को स्लोली मूव कराया जा रहा है. इस पे लगने वाले हर फोर्स को देखें तो इस पे लग कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा. ये छोटा सा एक पार्ट कंसीडर करते हैं हम. ठीक है, इसके पाथ पे एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं. ठीक है, ये पाथ का डिस्टेंस मान लेते हैं कि ds होगा. ठीक है, ds हो गया ये डिस्टेंस. इस पे फोर्स F ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है. इधर लग रहा होगा mg sin theta, वो डाउनवर्ड ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा. नॉर्मल इस तरफ लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा. तो इस तरफ का जो फोर्स होगा वो mg cos theta होगा. ठीक है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू, जो फ्रिक्शन इसके इस तरफ लग रहा है, यदि ब्लॉक ऊपर मूव करेगा तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, के एम जी कॉस थीटा. ये फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया. ठीक है, ग्रेविटी का फोर्स एम जी साइन थीटा लगेगा, फ्रिक्शन का फोर्स के एम जी कॉस थीटा लगेगा. फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है तो ये ब्लॉक जब स्लोली मूव कर रहा है इसका मतलब है कि इन दोनों फोर्स का वैल्यू फोर्स के बराबर, एफ के बराबर होगा. मींस के एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ हो जाएगा. ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हो गया, एफ इक्वल्स टू के एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, ये हो गया. ठीक है, यहां पे देखिएगा, यदि ये फोर्स ज्यादा होता, यदि इस ब्लॉक में एक्सेलेरेशन होता अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इक्वेशन क्या लिखते, एफ माइनस के एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए. बट इफ दिस ब्लॉक मूव स्लोली ऑन दिस सरफेस, इट मीन्स एक्सेलेरेशन शुड बी जीरो. ओके, एक्सेलेरेशन शुड बी नेग्लिजिबल एंड वी टेक इट इक्वल्स टू जीरो अप्रॉक्सिमेटली. सो फोर्स इक्वल्स टू के एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा. नाउ इफ दिस ब्लॉक स्लाइड बाई डी एस डिस्प्लेसमेंट, ओके, ये डी एस डिस्प्लेसमेंट स्लाइड कर रहा है. ठीक है, तो जो वर्क होगा डी डब्ल्यू वो कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी एस, ये वर्क हो जाएगा इस फोर्स के द्वारा, एफ इंटू डी एस. पुट कर देते हैं एफ का वैल्यू, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू हो गया के एम जी कॉस थीटा, के एम जी कॉस थीटा इंटू डी एस प्लस एम जी साइन थीटा इंटू डी एस, ये आ जाएगा डी एस कॉस थीटा. ये थीटा है, ये जो एंगल यहां पे हम लोगों ने कंसीडर करा है ये थीटा एंगल है. तो डी एस कॉस थीटा क्या आएगा, डी एस कॉस थीटा ये लेंथ आ जाएगा, इसको डी एल लिख दें. ठीक है, और डी एस साइन थीटा ये हाइट आ जाएगा इसका, तो इसको डी एच लिख देते हैं. ठीक है, तो डी डब्ल्यू का वैल्यू डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा मीन्स डी एल, इसको यदि हम ऐसे लिखें तो ये डी एस है, ये डी एस है, ये थीटा है, ये डी एल है, ये डी एच है. ठीक है, तो डी एस कॉस थीटा का वैल्यू डी एल के बराबर और डी एस साइन थीटा का वैल्यू डी एच के बराबर हो जाएगा. तो डी डब्ल्यू का वैल्यू लिख देंगे के एम जी डी एस कॉस थीटा को डी एल लिखेंगे और डी एस साइन थीटा को डी एच लिखेंगे, तो एम जी
इंटू डी एच, ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन करते हैं तो W का वैल्यू के एम जी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल एम जी इंटीग्रेशन ऑफ डी एच। ओके, लेंथ, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ लेंथ 0 टू L, एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ हाइट 0 टू H। ओके, सो वर्क इक्वल्स टू के एम जी एल प्लस एम जी एच, एम जी को कॉमन कर लेते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा के एल प्लस एच, ये वर्क आ जाएगा। दिस इज द रिजल्ट टू दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।